नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं TSN न्यूज हैदराबाद। सुलेमान नगर के खवातीन की जानिब से आयता करीमा का दस्तर किया गया, जिसमें कसीर तदाद में खवातीन ने शिरकत करके इस काले कानून के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई गई। खवातीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने CAA NRC को लागू करके हिंदुस्तान से सेकुलरिज्म को ख़त्म करने की साजिश करे हैं और हम हिंदुस्तानी इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। तब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी इस कानून को वापस नहीं लेते तब तक एहतजाज जारी रहेगा। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ पर सब मजहब के लोग मिलकर रहते थे और रहेंगे, कहा। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम। ये NRC के बारे में हम लोग यहाँ पे दस्तर बिछाए हैं, आयते करीना का दस्तर चल रहा है। ये NRC जो है वो वापस ले लीजिए, यहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये वापस ले लीजिए। ये नाइंसाफ़ी है, ये हम मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई हैं। हिंदू मुसलमान सब सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई हैं। हम लोग को आप लोग बिछड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कामयाब नहीं होएंगी। हम आपस में सब मिलजुल के रहेंगे। हम हैदराबाद के हैं, हम हैदराबादी हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भाई बरकातों, आज सुलेमान नगर डिवीजन में आज हमारे मावर भाई ने मिलकर खवातीन मिलकर आयते करीमा का जो सरखान बिछाकर NRC और CAA के बारे में यहाँ पे एक पूरी जो बस्ती की जो खवातीन है पूरे मिलकर यहाँ पे एक जगह जमा होकर आयते करीमा का जो दस्तर बिछाया हुआ है और हमारे ये जो खवातीन को मैं दिल से सलाम करता हूँ। और जो मैं शाहीन बाग की जो मावर बहना है उन लोग रात दिन एक कर कर वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोग भी तहदिल से सलाम करता हूँ मैं। और इंशाल्लाह यहाँ पे भी हैदराबाद में भी इस तरह से मेरे माँ बहन मिलकर इस जो शाहीनगर में जिस तरह से कर रहे हैं यहाँ पे भी इस तरह से प्रोटेस्ट कर कर और मैं खाली हैदराबाद की और दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत देश की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। और जो हमारे मोदी साहब जो कर रहे हैं ये हरकत अच्छी हरकत नहीं है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप ये वापस ले लीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा रहेगा आपको। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से आपको बहुत बड़ी मार पड़ेंगी, ये हमारे दुआएं का असर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुलेमान नगर में आज आयते करीमा का दस्तर बिछाया गया है। आज पूरी माँ और बहनों हमारी खवातीन ने मिलकर आज आयते करीमा के दस्तर पर आज पूरे जमा हुए हैं, वो CA NRC के पर NRP के पर आज दुआ का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। आज हमारी माँ और बहनों को सुलेमान नगर की मैं सलूट करता हूँ। आज जिलों को आज जो जमा हो के आज इसके लिए दुआ कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है ना,
उन्होंने जो नए 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 कानून ला के आवाम को परेशान कर रहे हैं, इस वजह से आज ये खुसूसी दुआ है, कुछ नहीं मगर अल्लाह से हम दुआ तो कर सकते हैं और दुआ कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और मोदी जी को ये बोलना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बिल को वापिस ले लें, नहीं लेंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये दुआ में भी बहुत बड़ा असर है, अल्लाह से हम मांगेंगे मदद, किसी से नहीं मांगेंगे मदद, मांगने वाले अल्लाह से हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।